बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पारंपरिक वेशभूषा में दिखे मरकाम पर पारंपरिक वेशभूषा में कांग्रेस विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। विधायक ओमकार सिंह मरकाम पहुंचे हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर विधायक ने पारंपरिक वेशभूषा पहनी है। तीर कमान और पीले धोती कुर्ता में विधानसभा पहुंचे हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश नहीं होने का विरोध जताया गया। आज सत्र में शामिल नहीं होंगे। गांधी प्रतिमा के नीचे विरोध प्रदर्शन करेंगे। भूख हड़ताल पर भी ओमकार सिंह मरकाम बैठ चुके हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज से मध्य प्रदेश के विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और पारंपरिक वेशभूषा में कांग्रेस विधायक नजर आ रहे हैं। चलिए, ओमकार सिंह मरकाम से बात किया हमारे संवाददाता नवीन। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा नहीं करने के विरोध में कांग्रेस के आदिवासी विधायक आज अनोखे अंदाज में विधानसभा में जा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, ये ओमकार सिंह मरकाम हैं, कांग्रेस के सीनियर MLA हैं। ये अनोखी वेशभूषा क्यों, किस बात का विरोध? सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस पे देश के प्रदेश के सभी जनमानस को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा उत्सव के दिन में मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा आयोजित किया है, हम क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में नहीं रह पाए। ये रणनीति भाजपा ने बना करके सरकारी अवकाश आज नहीं दिया है। हम आज सदन के अंदर नहीं जाएंगे, वहाँ पर बैठ करके इस बात का हम विरोध करेंगे। BJP की सरकार कहती है, गिरीश गौतम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारी उनसे ही बात हुई कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के लिए किया है उतना काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक प्रोपोगेंडा के जरिए काम कर रही है। ये असत्य बात विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे हैं, प्रमाणित है जो लेख में है। क्या संविधान भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? संविधान में 275(1) के अनुच्छेद पे जो व्यवस्था दी गई, जो 5th Schedule का जो व्यवस्था दिया गया, जो एट्रोसिटी एक्ट के प्रावधान किया गया, जो संविधान में आरक्षित सीट किया गया, वो किसने किया? अध्यक्ष जी, आप संवैधानिक पद में, आप असत्य बात ना करें। जाहिर है कांग्रेस का विरोध तेज हो रहा है विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर विधानसभा सत्र कॉल करना, ये कांग्रेस के आदिवासी विधायकों को हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस के आदिवासी विधायकों को दावा है कि सरकार को आज के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करना चाहिए था। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तेज हो गया है। आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर विधानसभा का सत्र भी है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में जनजातीय विकास मंत्री रहे ओमकार सिंह मरकाम विरोध के तौर पर अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। आदिवासियों की पारंपरिक वेशभूषा पहने, कंधे पर तीर धनुष लिए कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह ने IBC 24 से बातचीत में कहा कि वो आज विरोध के तौर पर सत्र भी अटेंड नहीं करेंगे, विधानसभा में ही धरने पर बैठेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा नहीं करने के विरोध में कांग्रेस के आदिवासी विधायक आज अनोखे अंदाज में विधानसभा में जा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, ये ओमकार सिंह मरकाम हैं, कांग्रेस के सीनियर MLA हैं। ये अनोखी वेशभूषा क्यों, किस बात का विरोध? सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस पे देश के प्रदेश के सभी जनमानस को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा उत्सव के दिन में मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा आयोजित किया है, हम क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में नहीं रह पाए। ये रणनीति भाजपा ने बना करके सरकारी अवकाश आज नहीं दिया है। हम आज सदन के अंदर नहीं जाएंगे, वहाँ पर बैठ करके इस बात का हम विरोध करेंगे। BJP की सरकार कहती है, गिरीश गौतम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारी उनसे ही बात हुई कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के लिए किया है उतना काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक प्रोपोगेंडा के जरिए काम कर रही है। ये असत्य बात विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे हैं, प्रमाणित है जो लेख में है। क्या संविधान भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? संविधान में 275(1) के अनुच्छेद पे जो व्यवस्था दी गई, जो 5th Schedule का जो व्यवस्था दिया गया, जो एट्रोसिटी एक्ट के प्रावधान किया गया, जो संविधान में आरक्षित सीट किया गया, वो किसने किया? अध्यक्ष जी, आप संवैधानिक पद में, आप असत्य बात ना करें। जाहिर है कांग्रेस का विरोध तेज हो रहा है विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर विधानसभा सत्र कॉल करना, ये कांग्रेस के आदिवासी विधायकों को हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस के आदिवासी विधायकों को दावा है कि सरकार को आज के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करना चाहिए था। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। आपको बता दें कि किस तरह से आदिवासी
वेशभूषा में नजर आ रहे अनोखे अंदाज में पहुंचे अवकाश घोषित न होने की नाराजगी साफ झलक रही थी। जिस तरह से वो बता रहे थे कि अध्यक्ष जी को इस बारे में सोचना चाहिए। अनोखे अंदाज में पहुंचे विधानसभा में मरकाम का ये कहना है कि वो विधानसभा के बाहर ही बैठेंगे।